दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो गैप हो गई है क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको करना चाहिए और ज़रूरी है अपने डेली लाइफ में। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ एक ऐसे चीज़ पे बना रहा हूँ कि जैसे अपना सिम है, जो भी अपना सिम निकालते हैं हम लोग उस नंबर को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें देखना चाहे कि इस नंबर पर और कोई सिम यूज़ कर रहा है कि नहीं और अपने आधार कार्ड पर कितने नंबर चल रहे हैं फिलहाल में, तो हम उसको कैसे बंद कर सकते हैं अपने एंड से, बस थोड़ा सा ट्रिक है उसको बंद करना है और कैसे उसको मैं डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, एक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे किया जाएगा मैं इस वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड। छोटा सा वीडियो है, उसको देखो और कमेंट भी करना, ठीक है। और भी मैं वीडियो बनाऊँगा, स्टार्ट किया हूँ थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, चलते हैं अब सीधे वीडियो पर, मिलते हैं। आप आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं जाता हूँ क्रोम में और क्रोम के ऊपर मैं सर्च करूँगा। देखो आप ऐसे सेम वैसे सर्च करना, मैं सर्च करता हूँ टेफ। यहाँ पे आप ना एक बार वो फ़ोन नंबर अपना डालोगे, बताऊँ मेरे फ़ोन पे एक OTP आएगा जिससे मैं चेक कर पाऊँगा कि कितने नंबर हमारे चल रहे हैं और पुराने सिम हो गए तो उसको कैसे मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ, डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा फ़ोन मतलब पुराना सिम जो है बंद हो गया है फ़िलहाल में और मुझे पता नहीं है उस पर अभी मेरा सिम चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं अभी OTP डालता हूँ, मेरे पास OTP आ गया है, तो 9909922 9909922, ठीक है। मैं वो वैलिडेट करूँगा OTP डालने के बाद। यहाँ पे देखो लिख रहा है लिस्ट ऑफ मोबाइल नंबर्स रजिस्टर ऑन योर IDs, ठीक है। यू मे चूज टू सेलेक्ट द नंबर दैट आर नॉट इन योर नेम और नॉट रिक्वायर्ड एंड सबमिट योर रिपोर्ट। यहाँ पर रिपोर्ट आप डाल सकते हो अगर आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है तो, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पर दिख रहा है शोइंग टू नंबर्स, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर मेरा एक नंबर है जो दिस इज़ नॉट माई और नॉट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको आएगा सेलेक्ट नंबर, नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, नंबर यूज़र नेम डाल के नीचे सीधे आपको उसको एंटर पुट अप करना पड़ेगा। मेरे आधार कार्ड पे देखो अभी दो नंबर चल रहे हैं, तो दो नंबर हमको यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना किसी भी नंबर को चूज़ करके एक बार और इसके नीचे दिस इज़ नॉट माई अगर इस पर क्लिक कर देंगे और रिपोर्ट कर देंगे तो ये नंबर बंद हो जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड ये भी ख़त्म हो जाएगा, रिक्वायर्ड अगर है तो इस पर आप रिक्वायर्ड करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ट्रिक है कि इसे आप पता लगा सकते हैं अपने आधार कार्ड पे कितने सिम चल रहे हैं आपके फ़िलहाल में और ये नंबर आपको रिक्वायर्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप बंद करना चाहते हो तो यहाँ से दिस इज़ माई और नॉट रिक्वायर्ड पर रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है आपको टेलीकॉम के जरा, तो टेलीकॉम की तरफ से आपको एनालिसिस करने के लिए मिला है और फ्रॉड से बचने के लिए, तो इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। बहुत अच्छा वेबसाइट है, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।